हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिलोकिनो के ऊपर। जी बिल्कुल, देखने की कोशिश करेंगे भाई फिलोकिनो की दुनिया में क्या क्या अपडेट देखने को मिलेगी, उसके साथ फिलोकी की जो सिस्टर है टोकनीफाई, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी बातें फिलोकी को लेके ही करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा जो YouTube का चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बैल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड या फ्लोकी के रिलेटेड कोई भी क्वाइन हो, कोई भी न्यूज़ हो, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सकें। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों पहले हम देख लेते हैं मार्केट क्या हाल है। बिटकॉइन बायजान 7 दिनों में 3.9% बढ़ चुका है, 24 घंटों में 1.8% बढ़ चुका है, अभी भी 35,000 से अबव चल रहा है। इथेरियम की बात करें तो 1889 डॉलर पे चल रहा है, 3% बढ़ चुका है पिछले 24 घंटों में। BNB 242 डॉलर पे चल रहा है, 5% बढ़ चुका है। यहाँ पे XRP 0.6 पे चल रहा है, 2.2% बढ़ चुका है। तो इस तरह ओवरऑल जो हमें मार्केट के हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो उसके साथ अगर फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के ऊपर नजर डाली जाए तो भाई आज 70 स्कोर के साथ मार्केट ग्रीड में है, जो कल 68 स्कोर के साथ ग्रीड में थी, लास्ट वीक 72 स्कोर के साथ ग्रीड में थी, और लास्ट मंथ की अगर हम बात करें तो भाई 50 स्कोर के साथ हमें एक न्यूट्रल पोजीशन में भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे अगर हम देखते चले फिलोकी के हालात, तो भाई फिलोकी 127 नंबर पर रैंक कर रहा है, 0.40 उसके बाद 3211 इसकी करंट प्राइस देखने को मिल रही है, 24 घंटों में 4.7% बढ़ चुका है। बाय द पेरा BTC 3.4% और इथर के हिसाब से 2.1% हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे हम देखें तो भाई ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 90% के करीब डाउन है। वैसे एनुअली बेसिस पे ये 182% बढ़ चुका है, 30 दिनों में 75%, 14 दिनों में 34% और 7 दिनों में 11% डाउन भी जा चुका है, और फिर 24 घंटों में ये 4.7% बढ़ चुका है। तो ये कुछ फिलोकी के हालात हैं। तो इन्हीं हालात के साथ अगर मैं बात करूं फिलोकिनो को लेकर, तो भाई क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम चलते हैं फिलोकी के ट्विटर के हैंडल पे। तो भाई यहाँ पे एक तो चीज़ हमें ये देखने को मिली है कि भाई फिलोकी का जो टोकनीफाई है उसको काफ़ी सपोर्ट मिल रही है, नई नई एक्सचेंज लिस्ट कर रहे हैं, जिसलिए हमने देखा कि बायबिट ने लिस्ट किया। उसके बाद जो क्रिप्टो का जो एक यूट्यूबर है सुजल अल्ट क्रिप्टो जैम, तो उनकी तरफ से भी हमें जो है एक वीडियो देखने को मिली कि भाई यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई किस तरह जो है फिलोकी के टोकन को स्ट्रेक किया जाए और जो टोकनीफाई उसको अर्न किया जाए, तो उसके ऊपर इन्होंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। वैसे उसके बाद हमने देखा कि फ्लोकी अल्ट्रास का जो एक जो चल रहा है इवेंट चल रहा है, जिसमें आपको तकरीबन $37,000 का प्राइस पूल है, जिसमें आपको क्या करना है कि भाई क्रिएट एंड सबमिट योर गोरिल्ला मार्केटिंग कैंपेन फीचर टू फ्लो। जी बिल्कुल, यहाँ पे यूज फ्लोकी अल्ट्रास टू एंड टेक रियल फ्लोकी। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको कुछ मार्केटिंग स्टंट करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ती है जिसमें आपको जो है फ्लोकी की मार्केट की जाई हो। तो उस तरह की अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो आप फ्लोकी को टैग कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो टेबल टेनिस का जो वीक चल रहा है उसमें फ्लोकी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टेबल टेनिस के जो ये वीडियोज़ वगैरह होती हैं, मैचेज होते हैं, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि भाई बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उसको फीचर कर रहे हैं, और उसी में हमने देखा है कि इसके पीछे बिलबोर्ड आप देखेंगे फ्लोकी का, टोकनीफाई का, ये सारे देखने मिले। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ट्यून इनटू CCTV5 ऑन द मेन स्पोर्ट टीवी चैनल इन चाइना। जी बिल्कुल, चाइना के मेन स्पोर्ट टीवी चैनल ने भी इस मैच की स्ट्रीमिंग कर रहा है। तो इसकी बात बहुत बड़ी जो अगर हम कहें तो भाई फिलोकी अपनी जो रीच है वो बढ़ा रहा है। उसके साथ अगर यहाँ पे हमने देखा कि भाई लास्ट वीक इन्होंने टोकनीफाई लॉन्च किया, मेजर्स इन जो टोकनीफाई की जो एक्सचेंजेस थी उन्होंने लिस्ट किया, टोकनीफाई की मार्केटिंग की, ट्रांजेक्शन टेक और स्टेकिंग वगैरह, ये सारी की सारी ये चीज़ें हैं वो जो भाई लास्ट वीक ये अपडेट कर चुके हैं। और रिसेंटली हमने देखा कि भाई जो इस टोकन जो टोकनीफाई था उसके जो फ्यूचर्स थे वो बाइनेंस ने इनेबल कर दिए, तो इट मीनिंग कि बाइनेंस फ्यूचर्स ने इसको जो है टोकनीफाई को लिस्ट भी कर दिया है। तो ये भी एक बहुत गुड न्यूज़ हमें देखने को मिली। उसके बाद बिट्रीड ने भी भाई टोकनीफाई को जो है लिस्ट किया। उसके साथ हमने देखा कि भाई अमाइनो के साथ इसकी हमें एक वेब थ्री की पार्टनरशिप देखने को मिली। उसके बाद फ्लोकी का जो स्टेकिंग जो टोटल वैल्यू है TVL है वो तकरीबन 54 मिलियन को जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो भाई ये काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ है हमें देखने को मिल रही है फ्लोकी को लेके। उसके बाद हमने देखा कि भाई और भी जो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हमें देखने को मिल रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी फ्लोकिनो में देखने को मिल रही है, और फ्लोकिनो दूसरे क्वान के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी की सिचुएशन में। और अगर आप देखें तो मेरा खुद का बिलीव है कि आने वाले वक्त में फ्लोकिनो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप फ्लोकिनो के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई होगी, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।